दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 इंटीजर, हिंदी में पूर्णांक, उसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 8 है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। हमें इसमें बताना है 4 इंटीजर्स जो -20 से बड़े हों। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर रखते हैं तो उसके राइट साइड वाला नंबर उससे ग्रेटर होता है और लेफ्ट साइड वाला नंबर उससे स्मॉलर होता है, यानी छोटा होता है। तो हम आंसर देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है और यहाँ पे -20 है, तो इधर हमारा राइट साइड होगा, इधर लेफ्ट साइड होगा। तो इधर क्या जाएगा, -19, -18, -17 ऐसे करते जाएगा और इधर होते जाएगा -21, -22। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो हमारा आंसर होगा -19, -18, -17, -16। ठीक है, अब हमारा बी है, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, मतलब 10 से लेस देन 4 इंटीजर लिखने हैं जो -10 से छोटा हो। तो हम आंसर लिखते हैं, जैसे कि ये हमारा नंबर लाइन है, ये मान लीजिए हमारा -10 है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा -9, -8 होते जाएगा, इधर हो जाएगा -11, -12। तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लेफ्ट वाले जो साइड होगा उसका, उधर जो नंबर होगा उसका वैल्यू छोटा होगा, यानी स्मॉलर होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, हमारा आंसर हो जाएगा -11, -12, -13 एंड -14। हमारा क्वेश्चन 9 है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और ये भी बताना है कि जो स्टेटमेंट फॉल्स है उन्हें करेक्ट भी करना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ट्रू है हमारा ये स्टेटमेंट, क्योंकि हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि -8 -10 के राइट साइड में रहता है। हमारा स्टेटमेंट बी है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे -100 -50 के राइट साइड में होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और ट्रू मतलब इसका करेक्ट होगा कि -100 इज टू द लेफ्ट, यहाँ पे राइट ना होके लेफ्ट होगा, लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। हमारा सी स्टेटमेंट है, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। तो ये भी ऑप्शन, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। -1 लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर है। अब हमारा स्टेटमेंट डी है, -26 इज ग्रेटर देन -25। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्योंकि -26 -25 के लेफ्ट साइड में आता है और जैसा कि हम जानते हैं लेफ्ट साइड वाला नंबर स्मॉलर होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर नहीं स्मॉलर होगा। अब हमारा क्वेश्चन 10 है, राइट अ नंबर, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन 10 में करना है नंबर लाइन ड्रॉ करके और ये सब क्वेश्चंस के आंसर देना है। ठीक है,
तो हमारा ए है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फोर नंबर्स टू द राइट ऑफ माइनस टू, मतलब हम माइनस टू से फोर नंबर राइट जाएंगे तो किस नंबर पे पहुंचेंगे। तो हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा जीरो हो गया, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू है यहाँ पे, और फोर नंबर राइट जाना है, यानी वन टू थ्री फोर। हमारा फोर कहाँ आ रहा है, वन टू थ्री फोर, तो फोर हमारा कहाँ आ रहा है, टू के पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा टू। हम जब माइनस टू से फोर नंबर राइट जाएंगे तो हमारा हम कहाँ पहुंचेंगे, टू के पास, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू। हमारा बी है, कह रहा है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फाइव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ वन। हमारा स्टेटमेंट बी भी स्टेटमेंट ए की तरह है, तो हम आंसर देखते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और बी में ये कह रहा है कि हम वन से फाइव नंबर्स लेफ्ट मूव करेंगे यानी चलेंगे तो हम किस नंबर पे पहुंचेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए वन है, ये जीरो, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड लास्ट माइनस फाइव, ठीक है, ठीक है, इतना कर रहे हैं। तो हमारा वन कहाँ है, यहाँ है वन, तो यहाँ से कितना नंबर हमें जाना है, फाइव नंबर्स। तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, माइनस फोर पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा माइनस फोर। हमारा सी है, कह रहा है इफ वी आर एट माइनस एट ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस थर्टीन। हिंदी में हम इसको समझा रहे हैं, अगर हम माइनस एट पे हैं, नंबर लाइन पे अगर हम माइनस एट पे हैं, तो इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव, हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा माइनस थर्टीन पर पहुंचने के लिए। तो हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे आंसर पाने के लिए। मान लीजिए हम मानते हैं माइनस माइनस एट, ये माइनस एट है, माइनस नाइन, माइनस टेन, माइनस इलेवन, माइनस ट्वेल्व एंड माइनस थर्टीन, ठीक है, और इधर माइनस सेवन, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव यानी चलना है माइनस थर्टीन के, थर्टीन पे पहुंचने के लिए। तो इस साइड हम जाएंगे तो कौन सा साइड होगा, ये राइट साइड होगा, ठीक है। तो इस साइड क्या होगा, लेफ्ट। तो हमारा आंसर होगा टू द लेफ्ट। हमारा डी स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट सी के तरह है। हमारा स्टेटमेंट डी है इफ वी आर एट माइनस सिक्स ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस वन। हमारा क्वेश्चन डी यानी स्टेटमेंट डी कह रहा है कि अगर हम नंबर लाइन पे माइनस सिक्स पे हैं, तो हमें माइनस वन पे जाने के लिए किस डायरेक्शन में मूव यानी चलना पड़ेगा। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा जीरो, इधर वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स, ठीक है। माइनस सिक्स यहाँ है, तो हम यहाँ से किस डायरेक्शन में चलेंगे कि हम माइनस वन पे पहुंचेंगे। तो हम ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस साइड हमारा कौन सा साइड होगा, राइट साइड। तो हमारा आंसर क्या होगा, टू द राइट।
अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।